चंद्रायन गुट्टा एमएलए जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब भी वो असेंबली में ये रेज कर दिया ये इश्यू, तो हमारा सीएम साहब भी ऑफिशियल्स को थोड़ा सख्ती से एक्शन लेने के लिए बच्चों को करियर, बच्चों को हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए हमको हमारा सीपी सर पूरा इंस्ट्रक्शन दे चुका है। ये इंस्ट्रक्शंस के अनुसार हम हमारा पूरा 4 एसीपीस 18 पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर सब मिलकर ये रेड्स कर दिया। ये रेड्स में बहुत सारे फॉरेन सिगरेट्स पेरिस ये लोगों ड्यूटी टैक्स भी पेड नहीं करा, तो कस्टम्स ड्यूटी, इनडायरेक्ट टैक्सेस, सेंट्रल एक्साइज और स्टेट वैट भी नहीं जमा करके वो लोग इलीगली वो ट्रेडिंग कर रहे हैं। ये बच्चों को पता नहीं वो सिगरेट्स में क्या छुपा हुआ, कोई ड्रग छुपा हुआ, कोई अलग मटेरियल, प्रोहिबिटेड सब्सटेंसेस लाइक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस वो मिलावट करके वो भेज रहे हैं। तो इसी मामला में हम पूरा सैंपल्स 15 सैंपल्स लेके फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी को भेज रहे हैं। अगर कोई पॉजिटिव नार्कोटिक और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस का एनालिसिस रिपोर्ट आएगा तो उन लोगों को एनडीपीएस में भी अरेस्ट करेंगे। अभी तक 22 पान डब्बे ओनर्स और 4 इम्पोर्टेंट होलसेलर्स, एक शहरान का दीवान देवड़ी में और बेगम बाजार में 3 वो पकड़कर वो 420 कंट्रोल ऑफ टोबैको एंड सिगरेट्स रेगुलेटिंग एक्ट 2003 के अंदर उनको रिमांड भेज रहे हैं। टोटल वर्थ 5 लाख के ऊपर है। एक्चुअली ये फॉरेन सिगरेट्स में स्टैट्यूटरी वार्निंग देना है, वो स्टैट्यूटरी वार्निंग्स एंड सिगरेट किल्स इंजरीज टू द हेल्थ ऐसा लिखना है, वो भी नहीं लिखा। तो स्टूडेंट्स ये अच्छा मटेरियल समझकर वो लोग पी रहा है, सो बहुत तकलीफ हो रहा है बच्चों को। सो इसी तरफ मामला हम साउथ जोन में अलाउ नहीं करेंगे, वो कहां से कहां तक आएगा वो सभी लोगों का अरेस्ट करके रिमांड भेज देंगे। अभी उक्का सेंटर्स पूरा खत्म हो गया, तो नया रूप से कोई रूप से ये लोग स्टूडेंट्स का जिंदगी खराब करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, वो स्टूडेंट्स भी ऐसा एडिक्ट हो रहा है। तो पेरेंट्स, पुलिस, टीचर्स सभी लोग अपने तरफ से ये रुकावट करने के लिए, सख्ती से प्रिवेंट करने के लिए कोशिश करना है। हमारा पुलिस डिपार्टमेंट से हम वेरी वेरी विल टेक वेरी स्ट्रिक्ट एक्शन। तो 5 लाख हैदराबाद कमिश्नरेट के अंदर पुराना शहर में साउथ जोन में पिछले 3-4 दिन से साउथ जोन पुलिस पूरा 5 डब्बा शॉप्स में रेड करके 22 लोगों को कस्टडी ले गए। ये 5 शॉप्स ओनर्स ये बच्चों को, माइनर बच्चों लोगों को इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स और इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स, चार्ज्ड इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स और पेपर मेकिंग उक्का सिगरेट्स और फॉरेन सिगरेट्स, थोड़ा ये उक्का पता नहीं कुछ लिक्विड सब्सटेंसेस भी उनके एम्बेडेड करके वो लोग पी रहा है। ये 15 साल, 13 साल, 16 साल का लड़के बच्चों को भेज रहा है। एग्जामिनेशन टाइम में भी ये लोग स्टडी आवर्स में ये 5 शॉप डब्बे के पास आके ये परचेज कर रहा है, पूरा एडिक्ट हो रहा है। बिफोर आई फॉरगेट, देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इश्यू विच नीड्स टू बी टेकन केयर बाय द गवर्नमेंट एंड दैट इश्यू इज अबाउट द ड्रग मेनेस विच इज स्प्रेडिंग इन हैदराबाद।
and youth are getting addicted to drugs. Capsules are being sold, drugs are being sold, brown sugar is being sold, and electronic cigarettes, madam. They put some solution in that, an electronic cigarette they spoke. In that solution which is given for electronic, in that they are giving drugs and making the youth addicted to that.